कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ा हुआ एक एक्सक्लूसिव ऑडियो सामने आया है। ये ऑडियो उस वक्त का है जब विकास दुबे और पुलिस टीम के साथ गांव बिकरू में मुठभेड़ चल रही थी और कई पुलिस वालों को गोली लग चुकी थी। उस वक्त एसएचओ को एसएसपी दिनेश कुमार पी ने फोन किया और पूछा कि मामले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दरअसल एसएसपी मामले की गंभीरता के बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि पुलिस टीम को कितना नुकसान हुआ है या वो कितने सुरक्षित है। आप खुद ही सुनिए ये बातचीत। हाँ सर, कौन बोल रहे हो अभी? सर मैं बोल रहा हूँ, विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे। उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आके घर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा। अच्छा सर, तो उनको पता था पुलिस फोर्स की है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर, टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर 4 हो गए सर, फोर्स तितर बितर है। धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा, ये बताओ कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर है सर, और पिस्टल के फायर। जब पिस्टल और 315 के फायर है और लगातार चला रहे हैं, अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं? आदमी देख के चला रहे हैं सर, अभी हाल्ट है, अभी पिछले 15-20 मिनट चल रही थी, अभी हाल्ट। ये कौन है उसके साथ? उसके घर में और कौन कौन रहते हैं? उसके घर में सर, उसके साथ में जो भी अपराधी रहते हैं, 4-5 आदमी असलहों के साथ रहते हैं सर। एक अमर दुबे है। पता था पहले से, पता था कि अपराधी बम भी है इसके पास, इतने असला है, तुम्हें पहले से पता था? मैं सर जानता था, मुझे अंदेशा था इस बात का, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए फोन किया था। मेरे को ये थोड़ा तुमने बताया कि सब इस तरह से ये बम भी चलाएगा, ये इसके पास इतने असले और बदमाश भी इसके साथ रहते हैं। ये मनवड़ किस्म का है, इसीलिए इतनी फोर्स के साथ आए हुए थे हम लोग। क्यों, 3 SHO SO गए हैं सर, तो अब क्या स्थिति है वहाँ पे? किसी से संपर्क हो पा रहा है? वायरलेस भी है? गाड़ियाँ रोड पर छोड़ के सर पैदल फोर्स अंदर गई थी, वहाँ गोलियाँ चलने लगी तो फोर्स तितर बितर हो गई सर। अच्छा बड़ा, अच्छा ठीक है, आप रीग्रुप हो जाओ, रीग्रुप हो जाओ, घायलों को पहले इवैक्यूएट करो, और बस सेंट्री के रूप में चारों तरफ कवर अप के रूप में असला के साथ तुम लोग मतलब उससे बच के आड़ लेके रहो, हम आ रहे हैं। सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर। इसके थोड़ी ही देर बाद फिर से एसएसपी ने एसओ विनय तिवारी को फोन किया और पूछा कि क्या मामले में सुधार हुआ, क्या एसओ कुछ पुलिस वालों को बाहर निकालने में कामयाब हुए और क्या हालात में सुधार हुआ। आप ये सुनिए दूसरी फोन कॉल जो एसएसपी और एसओ विनय तिवारी के बीच हुई थी। हाँ सर, क्या क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं? सिपाही भी शांत हो गए हैं? सिपाही शांत है सर। हेलो जी सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किया ही है, उसने कम से कम ये वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति में पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही सर। तो पहले नहीं, मतलब पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या।
हाँ पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा, किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आए रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का? नंबर सर काले ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसे शिवराजपुर हैं उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। दोस्तों आपने बातचीत सुनी एसएसपी और एसओ विनय तिवारी के बीच की, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब एसएसपी ने एसओ विनय तिवारी से पूछा कि तुम्हारे थाने के किसी ने जरूर विकास दुबे को पुलिस टीम के आने की सूचना दी होगी, इतना सुनने के बाद विनय तिवारी की हालत खराब हो गई थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एसओ विनय तिवारी के बनाए गए चक्रव्यूह में जहां पुलिस टीम फंस गई थी, वहीं वो भी खुद फंसने वाले थे और बाद में फंस भी गए। दोस्तों आप इस खबर को लाइक करें और शेयर भी करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम लगातार आपको हर बड़ी खबर का एक्सक्लूसिव एंगल शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।